Or one crazy picture. Crazy picture. What does that mean? Lol. Oi, oi. Hero. Oi. Chill. Meat crusher. Props, sir. Props, chahiye those. Yeah, exactly. Come on. Come on. Give us. Give us those wings and stuff. अभी दौड़ी में मजा आया ये क्रेजी लो चले स्टील अरे यार नीचे शो के बारे में मैं क्या कहूँ, आप लोग कहिए शो के बारे में। शो तो चल ही रहा है, करीब 1.25 साल हो गया है इस शो को, और हम लगातार लोगों को हंसा रहे हैं, हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि लोग हंस भी रहे हैं। तो हाँ, इंजॉय कर रहे हैं हम शो को। बहुत परेशानी होती है, एंड पहली बार शायद मैं और कीगो ऐसे कॉस्ट्यूम में काम करते हैं, तो बहुत बहुत परेशानी होती है। लेकिन जब लोग पसंद करते हैं हमें इस अवतार में, इस किरदार में, तो बहुत खुशी होती है। बिकॉज जब हमें ये देखकर लोग बोलते हैं कि यू नो, आप बहुत प्रिटी लगते हो, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, कि आप बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा जोड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो हाँ, ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे कि हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि सबसे हेल्दी रहने का सबसे अच्छा तरीका है हंसना। आप ऑब्वियसली हमारी सेहत पे ना जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि हंसने के बाद भी हम ऐसे कैसे रह गए। नहीं नहीं नहीं, ये सोच अपने दिमाग में मत लाइएगा, लेकिन सच में अगर आप हंसते रहेंगे आपका जीवन अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात कही है कीकू ने, और मुझे खास तौर पे पर्सनली ये नया लोगो बहुत पसंद आया, क्योंकि ये स्माइली जो होता है ना, सुबह की शुरुआत में आप अगर स्माइल करके दिन की शुरुआत करो तो दिन भी अच्छा जाता है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और हमारा शो देखते रहिए। आपका एक एक्टिविटी करना है, आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ बोलना है, आपका एक एक्टिविटी करना है, आपको बोलना है, आपको बोलना है। अरे बोल तो हम रही है। नहीं, आसमी तो गुलाब थी ना। हाँ, चलिए जहाँ पर ना, ये बताइए दुनिया में सबसे खूबसूरत फूल कौन सा है? रानी साहब, जाहिर सी बात है, गुलाब का फूल। बिल्कुल हमारी तरह। नहीं नहीं रानी साहब, आपकी तरह तो सिर्फ एक फूल है, गोभी का फूल। क्या? नहीं मतलब गोभी, हम गोभी कैसे लगते हैं? रानी साहब, गुलाब का फूल जो होता है उसमें कांटे होते हैं, कांटे तो आप में है नहीं, और आप गोभी का फूल लीजिए, एकदम सफेद, गोरा गोरा, खिला खिला, सब में प्यार बांटता हुआ, तो इसलिए आप ही हो ना गोभी का फूल। हाँ बिल्कुल, गोभी का फूल बड़ा अच्छा होता है। देखिए, थैंक यू। जी, वो इसका थर्ड सीजन है, टोटल नादानिया, और लोगों ने हमेशा इसे बहुत लाइक किया। अब तो नंबर वन शो है हमारा बिग मैजिक पे ये, और सीजन थ्री का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि सीजन थ्री मीन्स कि लोगों की लाइकिंग है उस शो के लिए। बहुत मज़ेदार और बहुत ही क्यूट सा शो है, हर बार एक नई कहानी है, मतलब हर एपिसोड एक न्यू स्टोरी है। उससे क्या होता है कि अगर किसी ने वो पहले नहीं भी देखा है तो भी आप इंजॉय करेंगे उस शो को,
क्योंकि हर बार आप एक अलग तरह की कहानी देख रहे हैं, कुछ अलग से कैरेक्टर्स हैं, चार पांच कैरेक्टर्स, एक डॉगी भी है उसमें जो बोलता है, मेरा लड़का है, एक बहू है कैनेडियन बहू जिसका दिमाग ही नहीं चलता है, और मैं हूँ जो अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, छोड़िए लड़की, समझती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि मेरे से ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं, मैं हर चीज़ में बेस्ट हूँ। तो ऐसे कैरेक्टर्स का, कुछ नादान कैरेक्टर्स की कहानी है, बहुत ही मज़ेदार, और लोगों को हंसी आती है, मुझे खुद भी, मैं देखती हूँ मुझे मज़ा आता है शो। अभी मेरी दो फिल्में आने वाली हैं, एक का नाम है वेडिंग पुलाव, ये कॉमेडी फिल्म है, विनोद प्रधान इसके कैमरामैन, जो बहुत अच्छे कैमरामैन है, वो अभी डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, और शशि रंजन जी प्रोड्यूसर हैं। एक फिल्म मैं कर रही हूँ चौक एंड डस्टर, ये फिल्म जो है ये टीचर्स की लाइफ पे है, इसमें शबाना आजमी, जूही चावला और जैकी श्रॉफ, और काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, और तीन टीचर्स की कहानी है, जो कि जूही जी हैं, शबाना जी हैं और मैं। तो एक टीचर को अपनी ज़िंदगी में कैसे सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ता है, क्या सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उस पर ये फिल्म है। तो ये मैं एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करूँगी, जैसा कि आपने अभी कुछ टाइम से मुझे लगातार, जैसे माय फ्रेंड गणेशा, जुदाई, हंगामा, लोफर, इसमें आपने मुझे कॉमेडी करते हुए देखा है। हाँ, तो मुझे बोलते लोग कॉमेडी क्वीन, तो अभी मुझे लगता है कि मैंने जो काफ़ी टाइम पहले मैंने इमोशनल फिल्में और सब तरह की फिल्में की, और मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना, तो ये रोल मुझे लगता है लोग पसंद करेंगे। थैंक यू। अभी तो मतलब बिग मैजिक का लोगो और चेंज हो गया है, तो बट अलग यूनिक लग रहा है, कुछ फुल ऑन लॉल, और लॉल तो सबको पता ही है क्या है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही अलग किस्म की लड़की है, बहुत पागल है, मतलब उसको सब चीज़ें करनी होती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है, बहुत डम भी है, गिरती पड़ती रहती है हमेशा, लेकिन हमेशा ट्राई करना तो बनता ही है। सुहानी का टैगलाइन है, ट्राई करना तो बनता ही है, वो हमेशा बोलती है लेकिन कुछ नहीं होता। वो कुछ नहीं सोचती, वो सब करती है। सबको कहना चाहूँगी बिग मैजिक देखो, टेढ़ी मेढ़ी फैमिली देखो, बहुत ही टेढ़ा किस्म का शो है, और मजा करो। गंगू भाई की तरफ से भी हेलो एवरीबॉडी। Thank you.